ये बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करता है मतलब कि हाथ खाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता बिल्कुल आराम से प्यार से खाता है जैसे कि आप अपने कुत्ते को खिला रहे हो ये देखो बिल्कुल बिल्कुल आराम से ये जो सामने आप टोपी में बंदा देख रहे हो ना खड़ा जो ये तसले को हिलाया जा रहा है ये बंदा इन जिराफ को बुला रहा है इधर जिराफ से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझे ये एनिमल लगा देखो क्या जबरदस्त नाचता हुआ चलता है ना हेलो गाइस वेलकम टू ए न्यू वीडियो आप सभी को पता ही है कि मैं मैं के अंदर पिछले कुछ दिनों से यहीं पर हूँ मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर आया था कुछ वीजा वगैरह अप्लाई करने के लिए सिटी के अंदर क्योंकि बहुत सारी एम्बेसी है जो मुझे और कहीं नहीं मिलती है इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से सिर्फ वीजा की प्रोसेस में घूम रहा था और आज मौका मिला है कुछ चीजें विजिट करने का तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर अभी मैं हूँ जिराफ सेंटर के अंदर ये वैसे तो एक्टिविटी है अमीर लोगों के लिए लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम था और कुछ वेबसाइट वगैरह मैंने अभी थोड़े दिन पहले बनाई थी तो थोड़ा पैसा था मैंने सोचा थोड़ा अपना भी थोड़ा फ़ील ले, ले लेते हैं अमीर लोग कैसे ट्रैवल करते हैं आज मैं आया हूँ एक जिराफ सेंटर में जहाँ पर कि लोग जिराफ को खाना वगैरह खिलाते हैं अभी टिकट वग़ैरह खरीदेंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा सामने वो देख सकते हो वहाँ से आप टिकट भी खरीद सकते हो यहाँ से तो चलो टिकट खरीदते हैं और आपको दिखाते हैं जिराफ सेंटर कैसा रहता है ये काफ़ी एक्टिविटीज आप यहाँ पर कर सकते ये देखो जिराफ पार्क लेजर हॉल ये तो चलो इन्होंने बता रखा है क्या कुछ है एक्टिविटीज नहीं है तो चलो अंदर चलते हैं और एंट्री लेते हैं क्या कुछ रहता है यहाँ सामने से एंट्री होते ही आपको मिलेंगे ये भाई सामने और ये भाई आपको सामान देंगे दिस इज टू फीड द जिराफ ओके okay, ये चीज़ मिलेगी आपको एक कोकोनट के अंदर जिसमें कि कुछ खाने को है और ज़िराफ को अपने को ये खिलाना है इस साइड आपको एक कॉफ़ी हाउस भी मिल जाएगा काफ़ी अच्छा बना रखा है सुंदर ये देखो यहाँ पर इन्होंने एक स्क्रीन लगा रखी है कुछ बता रहे हैं आपको तो चलो चलते हैं अंदर और जिराफ को खाना खिलाकर देखते हैं कि कैसी फीलिंग आती है अमीर लोगों की एक्टिविटी करने में यहाँ से निकलते ही बिल्कुल सामने आपको जिराफ दिखना शुरू हो जाएंगे और टिकट मैं आपको बता देता हूँ दस डॉलर की एक बंदे की है लगभग तंजानियन शिलिंग की डेढ़ सौ का एक, एक डॉलर बनता है शिलिंग का और ये सामने देखो आप जिराफ क्या जबरदस्त लग रहे हैं ना इन्होंने ना ये दस पंद्रह जिराफ खरीद रखे हैं और इनको लोग यहाँ पर आते हैं और खाना खिलाते हैं ये देखो काफी छोटा सा लग रहा है यार ये जिराफ तो वो उधर जो पीछे खड़ा है ना वो काफी बड़ा है इंडिया में आज के दिन जितने भी जिराफ आपको दिखेंगे वो सब के सब अफ्रीका से अंग्रेजों के द्वारा डेढ़ सौ साल पहले लाए गए थे और आपको इंडिया में एक भी वाइल्ड लाइफ जिराफ नहीं दिखेगा जितने भी जिराफ इंडिया में हैं वो सिर्फ जू के अंदर आपको मिलेंगे इंडिया में जिराफ की पॉपुलेशन लगभग 8000 साल पहले इंस्ट्रिक्ट हो गई थी आज के दिन जिस देश में भी आप वाइल्ड लाइफ जिराफ देखोगे वो सब के सब अफ्रीका से ही लाए गए हैं इसीलिए आपको अफ्रीका में सफारी के प्राइस आसमान छूते हुए दिखेंगे क्योंकि इन वाइल्ड एनिमल की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है ये देखो भाई इस तरह इनको ना खाना खिलाते हैं अमीर लोग और आप। मैं भी आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि इनको खाना खिलाए थोड़ा सा ये देखो हाथ में से इसके लिए खाना बड़ा मुश्किल है भाई ये बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करता है मतलब कि हाथ खाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता बिल्कुल आराम से प्यार से खाता है जैसे कि आप अपने कुत्ते को खिला रहे हूँ ये देखो बिल्कुल आराम से बिल्कुल कुछ भी नहीं कहेगा फिर और इसको हाथ लगाएंगे हाथ नहीं लगाने देगा आपको सिर्फ इसको खाना खाना सिर्फ पांच से छह ही जिराफ है यहाँ पर और सभी लोग सिर्फ इस एक को ही खिलाए जा रहे हैं क्योंकि ये एक ही यहाँ पर है बाकी सब पीछे चले गए हैं आपको दिखा देता हूँ ये देखो पर लेकिन बढ़िया है यार ये देखो किस तरह ये लड़की खिला रही है ना ये देखो अभी कोई भी नहीं है यहाँ पर जिराफ आप सब का पेट भर गया है भाई और क्या ज़बरदस्त लगता है ना मुंह देखो अब इसका देखो यार क्या बिल्कुल पास में आ गया और बिल्कुल मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको डर लगेगा इनसे एकदम ना नॉर्मल जैसे ऐसे घर में रख सकते हो ऐसा जानवर है बिल्कुल ऊंट जैसा लगेगा आपको और बिल्कुल भी आपको मारने की अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है सही बताऊँ सही एक्टिविटी है दस डॉलर के हिसाब से भाई क्योंकि ऐसे जानवर अपने को हर जगह तो मिलते नहीं है यहाँ पर आप देख कर एक्सपीरियंस कर सकते हैं और कुछ छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर देखो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी हैं अगर वो बच्चे पास में आए ना फिर तो बढ़िया है सिर्फ ये एक इंटरेस्टेड है देखो बाकी सारे दूर खड़े हैं ये देखो आपको नीचे एक ना सुअर जैसा जानवर दिखेगा इसे इसे वोट बोलते हैं और इसके ना जैसे सूअर के तो क्या है सींग नहीं होते हैं तो इसके देखो दांत होते हैं यहाँ पर आगे देखो मुंह के आगे इसको वोट होकर बोलते हैं बिल्कुल सुअर जैसा ही दिखेगा लेकिन ये खाना देखो ऐसे आगे के पैर नीचे रख के और फिर खाना खाता है क्योंकि इससे आगे झुका नहीं जाता है गर्दन इसकी झुकती नहीं है इसीलिए दोनों आगे वाले पैर फोल्ड करके ये घास खाता है और जिराफ आप देख ही सकते हो सामने ये सबसे बड़ा जिराफ है मुझे लग रहा है हाँ और या फिर ये सामने वाला सबसे बड़ा है सही एक्टिविटी है यार दस डॉलर के हिसाब से मैं बताऊँ अच्छी है क्योंकि आपको ऐसे एनिमल को हाथ लगाने को मिलता है कहीं नॉर्मली मिलता है अगर आप नेशनल पार्क में भी जाओगे ना तो आपको 600 600 700 डॉलर पे करने पड़ेंगे सफ़ारी के लिए लेकिन यहाँ पर तुम देख सकते हो आराम से इसको टच कर सकते हो और सफारी करोगे तो आप इसको टच भी नहीं कर सकते हो ना तो ये चीज़ एक्टिविटी अच्छी है दस डॉलर वर्थ इट है ये जो सामने आप टोपी में बंदा देख रहे हो ना खड़ा जो ये तसले को हिलाए जा रहा है ये बंदा इन जिराफ को बुला रहा है इधर क्योंकि ये दूर चले गए हैं अभी कोई आ नहीं रहा है पास में और ये लोग दस डॉलर पैसे दे के अंदर आए हैं तो ये अगर पास में नहीं आएंगे तो लोग पैसे नहीं देंगे इसीलिए ये बुला रहा है इनको पास में पर लेकिन कोई भी आने को तैयार नहीं है सब ने उधर मुंह कर लिया देखो सारे के सारे जिराफ आपको सामने दिख रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ जिराफ है टोटल ये देखो ये भाई बुला रहे हैं उनको डू यू थिंक दे विल कम ब्रो या ये देखो ये भाई बुला रहा है ये देखो इसमें इसने खाना डाल दिया ताकि ये थोड़ा पास में आए नो दे आर नॉट इंटरेस्टेड ब्रो दे आर टोटली फुल भाई कोई भी पास में आने को तैयार नहीं है भाई कोशिश तो पूरी कर रहा है लेकिन शुक्र है कि मैंने तो पहले ही खाना खिला दिया इसको नहीं तो अब इस टाइम आता मैं तो कोई भी नहीं होता पास में जब मैं आया था तब तो तीन चार पास में थे और अभी देखते हैं कोई आता है तो आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में दस डॉलर दिए हैं तो कम से कम घंटा डेढ़ घंटा तो यहाँ पे बिताता हूँ मैं ये अभी भाई जा रहा है देखते हैं अब क्या करेगा कि सच में बुला पाएगा या नहीं बुला पाएगा आपको दिखाता हूँ मैं सच में यार अगर मान लो कोई बंदा दस दे कर अंदर आए आए, और ये जिराफ जिराफ पास में ही ना फिर जिराफ से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझे ये एनिमल लगा देखो क्या जबरदस्त नाचता हुआ चलता है ना सच में मजाक नहीं कर रहा यार बढ़िया जबरदस्त एनिमल है अगर मेरे को कभी मौका मिला ना तो घर पे जरूर रखूंगा मैं इसको कुत्ते से तो बढ़िया है यार ये बंदा पूरी कोशिश करे जा रहा है पिछले आधे घंटे से लेकिन कोई भी जिराफ पास में नहीं आ रहा है देखो सिर्फ ये एक ही बेचारा जिराफ है यहाँ पर जो सबको इंटरटेन कर रहा है देखो भाई देखने में बिल्कुल आपको ये जानवर ना सुअर जैसा दिखेगा लेकिन सुअर बिल्कुल भी नहीं है ये वोट हॉक बोलते हैं इसको ये यहाँ पर भी काफी आपको पहले भी मैंने दिखा दिया ये खाना किस तरह खाता है ये देखो पैर नीचे के और फिर खाना खाता है ये ये देखो अभी आपको मैं पास से दिखाता हूँ मतपत्या तो अकेले ये देखो ये चीज बढ़िया है कि आप इतने पास से आप जिराफ को देख सकते हो काफी बड़ा एनिमल है, है यार ऊंट से तो बहुत ज्यादा लंबा है ये देखो ये भाई खाना खिला रहे हैं ओके लग रहा है ना जबरदस्त देखो ये भी बेचारा जा रहा है अब लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं करना इसने ने कहा कि भाई मुझे इंटरेस्टेड नहीं है तुम चाहे दस डॉलर देकर होगे पर लेकिन मैं तुम्हारा इंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं हूँ और भाई शुक्र है कि इन बच्चों से पहले आ गया मैं अब देखो कितने सारे बच्चे आ रहे हैं अब तो फुल भीड़ हो जाएगी काफी बड़ा है देख सकते हैं आप मैं जीरो पॉइंट फाइव में शूट कर रहा हूँ और देखो मेरे हाथ के हिसाब से बहुत बड़ा है ये देखो भाई आपको सामने ये बंदा दिख रहा होगा ये झाड़ियों के पीछे चला गया ये लकड़ी लेकर ये देखो ये बंदा दिख रहा है ना ये लकड़ी से उनको उधर से भगा रहा है और ताकि वो इधर आए लोगों के पास ताकि लोगों ने जो दस डॉलर दिए हैं उसका पूरा लोग फायदा उठा सके ये देखो दो ये खड़े होके चलना भी शुरू कर दिया लेकिन पास में फिर भी नहीं आ रहे हैं वो बंदा पूरा ट्राई कर रहा है और इधर भी देखो ये भाई अच्छे से ट्राई कर रहा है लेकिन आ नहीं रहे हैं पास में शुक्र है कि मैं पहले आया था उस टाइम तीन चार जिराफ इधर थे पूरी कोशिश कर ली इन्होंने पर ये पास में ही नहीं आ रहे हैं पर मैं ये चाहता हूँ कि वो बिल्कुल छोटे वाला है ना यहाँ पे देखो एक ये छोटे वाला ये पास में आए ना तब मजा आए अभी देखो काफी जिराफ पास में आ हैं दो उधर खड़े हैं तीसरा ये खड़ा चौथा ये खड़ा चार जिराफ पास में आ गया है पांच उस साइड खड़े हैं और अभी ये सारे बच्चे लाइन में खड़े होकर धीरे धीरे सब बच्चे एक एक कर कर खिलाए जा रहे हैं देखो यार क्या जबरदस्त वीडियो आ रही है मेरे को उम्मीद नहीं थी इतने आराम से ये जिराफ खाते हैं ना आप सोच नहीं सकते बिल्कुल ना जल्दी नहीं करते ना आपको ऐसा डर लगेगा क्योंकि बिल्कुल प्यार से खाते हैं आप देख सकते हो सभी बच्चों के हाथ से खाए जा रहे हैं ये देखो ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने प्यार से ये खाते हैं ये देखो ये देखो बिल्कुल मुंह पे रख दो चाहे कुछ नहीं बोलेंगे आपको कुछ भी यहाँ तक मुंह हाथ भी मुंह में डाल दोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा ये देखो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रख दो आराम से कुछ नहीं बोलते कुछ लोग डरते हैं ना तो ये इनको टच नहीं करते तो इसलिए ये देखो ये जैसे ये लड़की है जो दूर से फेंके जा रही है क्योंकि ये डर रही है यहाँ पर आपको एक म्यूजियम भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको जिराफ के बारे में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए गए हैं जैसे कि जिराफ दुनिया का सबसे टोलेस्ट एनिमल है और इसकी जीभ लगभग डेढ़ फीट लंबी होती है और आप ये सुनकर तो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि जिराफ छप्पन किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है और आप सभी को ये तो पता ही है की जिराफ की गर्दन काफी लंबी होती है इसीलिए जिराफ का दिमाग जिराफ के दिल से दूर होने की वजह से जिराफ को लगभग ग्यारह किलो के बड़े दिल की जरूरत पड़ती है दिमाग तक ब्लड को पंप करने के लिए इसी तरह के काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट जिराफ के बारे में आपको यहां पर जानने को मिलेंगे और अगर आप दूसरी साइड इस इस बिल्डिंग के देखेंगे तो वहां पर आपको इस जिराफ सेंटर की पूरी हिस्ट्री भी बता रखी है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां पर भी विजिट कर सकते हो आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये आपको जिराफ सेंटर की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें